Should I read the English translation? Yes. Word by word? Yes. I'll explain in Hindi. You read the English. Dhritarashtra said, O Sanjay, after assembling in the place of pilgrimage at Kurukshetra, what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight? Maharaj Dhritarashtra pucha Sanjay. Sanjay, unke secretary, unse pucha ki hamare ladke Mamaka and Pandava aur hamare chhota bhai ke ladke Pandav log ये सब लड़ाई करने के लिए तो धर्म क्षेत्र में गए, फिर क्या किया ये पूछ रहे। तो बड़ा सरल है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र दिल्ली का बाजी है, अभी तक कुरुक्षेत्र मौजूद है और वो धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में अभी तक सब खास तौर से हिंदू लोग सब जाते हैं और उधर धर्म जागरण करते हैं। वेद में भी लिखा है कि कुरुक्षेत्र में जा करके धर्म जागरण करो, फिर उसमें इधर उधर बात करने का क्या जरूरत है? इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द हिंदी ऑफ इंटरप्रिटेशन? भाष्य बोला, भाष्य, भाष्य तो कमेंट। इंटरप्रिटेशन में अर्थ बात है, एक अर्थ दूसरा अर्थ लगा, रियल मीनिंग अर्थ होगा। तो ये सब मूर्ख लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र का अर्थ है शरीर। क्यों कुरुक्षेत्र का अर्थ शरीर होगा? कौन डिक्शनरी में है कुरुक्षेत्र का अर्थ शरीर? और ये सब चलता उल्टा सीधा पता करके दूसरे को भड़काते हैं और खुद भी मिसलेड होता है। ये नहीं करना चाहिए। व्यासदेव ये भगवद गीता को लिखा है वो अर्थवाद करने के लिए लिखा है क्या? समझने के लिए लिखा है और सरल है। इंटरप्रिटेशन अर्थवाद तभी जरूरत है जब उसको समझ में नहीं, जब बिल्कुल सरल समझ में आता है। ये कुरुक्षेत्र जगह है और शास्त्र का अनुसार वो धर्म क्षेत्र है। हमारे आज तक गांव में कोई किसी से परस्पर झगड़ा हुआ तो मंदिर में जाते हैं। क्यों? अभी तक भी है। पहले तो बहुत ही था, मंदिर में कोई झूठ नहीं बोले, फैसला हो जाता। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में लड़ाई किया कि यदि उनका झगड़ा फैसला हो, इसीलिए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं जो फिर क्या किया? लड़ाई करने को किया, लड़ाई किया सबको ही समझेगा। क्यों पूछ रहे हैं? जब उधर जाकर के फिर क्या किया, मतलब है जो धर्म क्षेत्र में जाकर के उसका मन बदला कि नहीं। एक आदमी झूठ बोलता है, अगर भगवान का सामने उसको कहा जाए अब तू बोल, तो पहले डरता था जो भगवान के सामने कैसे झूठ बोले, सच्ची बात बोलता। इसी प्रकार ये
धृतराष्ट्र वो जानते थे सच्ची बात है कि पांडव लोग का राज्य है, उनका पिता का राज्य है, हम लोग पॉलिसी करके उनको बहुत तकलीफ दिया और फिर अब लड़ाई होने वाला है तो धर्म क्षेत्र में जा कर के वो फैसला तो नहीं किया कि वो नहीं चाहते थे फैसला हो, वो चाहते हैं कि लड़ाई हो क्योंकि वो कौरव लोग 100 भाई है और 5 है तो वो समझता था कि हमारा जोर ज़्यादा है, हमारा सिपाही ज़्यादा है तो लड़ाई हो जाए तो 5 भाई ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा लड़के लोग निष्कंटक से राज्य को करेगा, ये उनका मतलब। तो कहने का मतलब यही है जब आप लोग गीता पढ़ेंगे उसमें अर्थवाद नहीं लगाइए मनमाफी, जो मैं सोच रहा हूँ इसका अर्थ ये नहीं, अर्थ जो बताया है वही अर्थ है। इस प्रकार अगर पढ़ेंगे तो गीता पढ़ने से आपको फायदा और अनसंट इधर बकने से कुछ फायदा नहीं है, ये समझ। थैंक यू।